आज धूप निकल चुकी है। शाम को इस वक्त 6:30 बजे के करीब धूप निकल गई है और बहुत तेज़ धूप निकली है। बादल भी ऐसे हो रहे हैं, बादल अब बारिश वाला मौसम लग नहीं रहा कि अब बारिश हो सकती है। बहुत तेज़ धूप आ गई है तो अब अच्छा लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू नाजी अभिषेक ब्लॉग। नया दिन स्टार्ट हो चुका है और मैं इस वक्त हूँ किचन में। किचन में मैंने खाना वगैरह तो बना लिया है। आप देख सकते हैं बर्तन साफ करने हैं, बर्तन रखे हुए हैं, मुझे भी बर्तन साफ करने हैं। और बाहर का मौसम है कुछ इस तरह। सुबह है, बारिश बहुत आ रही थी हमारे यहाँ पर, बट आज ना बंद हो गया है। और आज ये है कि आज लाइट आ रही है, थैंक गॉड आज लाइट आ रही है हमारे यहाँ पर। वरना 2 दिन से लाइट नहीं थी। आज लाइट का कोई इशू नहीं है, बट मौसम इतना ज़्यादा आज ख़राब हो रहा है हमारे यहाँ पर कि ह्यूमिडिटी हो रही है। गर्मी बाहर की बारिश, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, लगता है कि बारिश फिर से होगी। अभी मैंने सोचा कि ब्लॉग में स्टार्ट कर देती हूँ, लाइट आ रही है तो। वरना क्या होता है कि 2 दिन से हम ऐसे ही बाहर बैठे हुए हैं, कहीं इधर घर में लाइट वगैरह थी नहीं, क्या लाइट नहीं होती है तो वो अंधेरा अंधेरा सा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग में स्टार्ट कर ही देती हूँ। सो गाइस, आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मेरा पार्सल, मैं कुछ पार्सल की बात कर रही थी तो वही पार्सल वाला कोरियर वाला आ चुका है और वो पार्सल रिसीव करने के लिए बाहर गए हैं। उन्होंने मुझे मना किया कि तुम बाहर मत आना पार्सल देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फिर मुझे पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। अब उन्होंने कहा है ना कि मेरा नहीं तो सरप्राइज ख़राब हो जाएगा। अब मुझे सब्र नहीं होता है, मैं देखती हूँ चुपके से जाकर देखूँगी क्या है, आखिर बहुत टाइम लग रहा है। आई थिंक अब चला गया है कुरियर वाला, अब वो आएंगे। क्या लेकर आ रहे हो आप? एड्रेस ना देखे बस अपना, क्या है बताओ। हाँ ओपन बॉक्स डिलीवरी थी इसलिए वो हाँ करवा रहा था। हाँ अच्छा, इसलिए टाइम लग गया। गाइस पता है अभी हम लोग उसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ हमने कल का वीडियो एंड करा था। वीडियो एंड करके थोड़ी आधे घंटे के बाद पार्सल वाला आ ही गया है। तो उसी उसी दिन का ये कल का ही वीडियो चल रहा है ये, मतलब आगे का। तो चलो तुम ही दिखा दो क्या सरप्राइज। हम मुझसे भी यकीन नहीं रहा है, पता है छुप छुप कर उधर देख रही थी पर आपने मुझे देखा नहीं। मुझे सच बताऊं कुछ और लग रहा है, मेकअप भी नहीं लग रहा, पर मैं पहले ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही क्योंकि नहीं निकला तो फिर करो क्या हो सकता है, इतने छोटे बॉक्स में कपड़े तो आएंगे नहीं। नहीं कपड़े नहीं है, वो तो मैं देखने से समझ गई, कपड़े तो नहीं है। पता नहीं गाइस मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें क्या है। सेम ऐसा ही जब हमने एक प्रेस मंगाई थी वो सेम ऐसे ही डिब्बे में आई थी। घर का कुछ सामान तो नहीं मंगा लिया इन्होंने, देखती हूँ। हाँ चलो मैं दिखाती हूँ, चलो देखते हैं। ये तो फोन है, ये फोन कब मंगा लिया आपने, मेरे को तो आपने बताया भी नहीं। गाइज आप लोगों को ये तो पता ही है कि मतलब हम फोन मंगाने वाले थे, ये मैंने बहुत टाइम से बोल रखा है और इन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारी पसंद से ही मैं मंगवाऊंगा ये सब। वाओ ये खुला हुआ इसलिए है क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी हाँ थी, पूरा चेक करवाया हाँ था खोल इसीलिए के। टाइम लगता है ये इसमें इसका तो। कवर है, कवर बाद में देखेंगे, पहले फोन देखेंगे। गाइस मेरा न्यू फोन आ गया, देखो ये पसंद का हम दोनों का ही है। मैं आपको बताती हूँ पसंद हम दोनों की है। इन्होंने मुझसे सब कुछ पहले ही पसंद करवा लिया था, बट इन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं अभी ये नहीं ऑर्डर करूंगा, कुछ और मैं देखूंगा उसके बाद फिर मैं, थोड़ा और तुम्हें रुकना पड़ेगा 20 से 25 दिन। तो मैंने कहा अभी तो ये फोन नहीं होगा, इसलिए मैं मन में मुझे लग रहा था, पर मैंने सोचा फोन नहीं होगा नहीं तो मेरी हंसी उड़ाएंगे, पर फोन ही निकला। सोनी का कैमरा है इसमें, हाँ सोनी के कैमरे हैं और AI फीचर है। AI फीचर है। कवर अच्छा आया है, ये देखिए हमारे फोन का कवर। इसके कवर ने और भी ज्यादा खुश कर दिया, थैंक गॉड वो ट्रांसपेरेंट वाला नहीं आया, मैं उससे दुखी हो चुकी थी। चलो चालू करते हैं। चलिए करिए, आप बड़े छुपा रुस्तम निकले, आप मुझे मना करते गए और ऑर्डर भी कर दिया, तभी आप तो बोल रहे थे कि कपड़े वगैरह हैं। बेवकूफ,
तुम तो यही उम्मीद लगा के बैठी ना, कपड़े वपड़े इसमें साथ में क्या क्या है हाँ वो भी आपको देखते हैं। दिखाते हैं। ये तो ये ओहो, चार्जर का साइज देखिए आप चार्जर का साइज तो सबसे बड़ा और चार्ज, बहुत इतना हैवी हैवी, है। हाँ ये फास्ट चार्जर है, कितना उसमें वन पता है, ट्वेंटी वॉट का हाँ फास्ट ये चार्जर वन है। ट्वेंटी वॉट देखिए, बहुत जल्दी फास्ट होगा ये। हमने इसके रिव्यूज देखे थे ना, 15 से 20 मिनट में ये बता रही चार्जर थी। केबल है, ये तो के चार्जर सच में बहुत बहुत ज्यादा हैवी है, हैवी है, बहुत। और इसके आया था स्क्रीन प्रोटेक्टर, हाँ ये तो काम आ जाएगा बाद में, बाद में अभी तो लगा हुआ है इसमें। इसी में रख देते हैं अभी, हाँ इसमें अच्छे से रख देते हैं, है ना। चलिए, बाकी कवर लगा ही दिया है। ये तो चलिए अब चलते हैं अंदर, क्या हो रहा है ये आज नए फोन में, क्या कर रहे हो आप बताओ। इसमें वो AI वाला फीचर देख रहा हूँ। दिखा गाइज, इसमें ना AI का जो फीचर है इतना अच्छा है ना, क्या ही बताएं, हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसमें। जैसे ये वाला फोटो है, एडिट AI, ये सर हाँ ये सेलेक्ट किया है, अब इसे मुझे हटाना है तो इसको ये थोड़ा पूरा बड़ा कर देता हूँ दिखाने के लिए, जिसको हटाना हो उसको ऐसे सेलेक्ट कर लो। हाँ मुझे कैसे हटा रहे हो ये खुशी वाला से, एडिट ये देखो गाइस ये इस ये तरह से एडिट हटा देता है, देखो मैं गायब हो गई। बिल्कुल गायब हो चुकी हूँ इसमें से। इसमें क्या है कि सब कुछ भी हटा सकते हैं ना, जैसे कोई अब यार जिसमें मैं भी बैठा हूँ ना, मैं बिल्कुल भी हटा हाँ सकता हूँ। हाँ ये जैसे ये अपने आप को भी हटा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह, जैसे ये सोफा है कुछ भी है सामान, तो वो भी हटा सकते हैं। देखो ये हम ये दोनों हट चुके हैं। तो भाई टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा हाई हो गई है आज के टाइम पर, कि मतलब आज के टाइम पे कोई भी कुछ भी, अगर कुछ लोगों के पास कुछ प्रूफ होते हैं कि देखो हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास फोटो है, तो आजकल AI के थ्रू वो भी गायब कर सकते हैं, क्यों सही है। पहले ऐसा था, अब अब देखो ऐसा, कितना अंतर आ गया। दोनों को हटाने के बाद हाँ ये झूले का निकाल रहे हैं फोटो। ये निकाल दिया फोटो। दिखा, हाँ देखो गाइस अब ये पूरा झूले का फोटो निकल गया, अब इसमें से क्या गायब करना है आपको। अब इसमें एडिट करेंगे AI इरेज, इरेजर, ये बड़ा इसमें कर देता हूँ, जैसे झूले को सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। ये झूला चेंज हो गया। देखो झूला चेंज हो गया गाइस, हमारा हमारा झूला चेंज हो गया। अब अगर इसको भी अगर हटाना हो तो देखते हैं, देखो वो इसको उसके, हटाएंगे तो कुछ और चेंज करेगा। हाँ कल हमने ऐसा रात को करके देखा था तो सोफा आ गया था इसकी जगह, अभी देखते हैं सोफा आता है या नहीं। अभी सोफा नहीं आ रहा, हटा रहा है अभी तो, अभी बिल्कुल हटा दिया। ये झूला हटा दिया हाँ पूरा। ये झूला हटा दिया, और ये देखो अभी दीवार, झूले की ये डंडी है, ये भी हटा हाँ देते हैं। ये पाइप है, और इस पर्दे को भी हटा के देखेंगे। वो हटा दिया पाइप को भी। देखो गाइस पूरा हटा दिया है। तो कैसा मजा आ रहा है आपको। अब देख पहले कंपेयर में देख, इसमें हाँ पहले ऐसा था अब और अब ऐसा हो देखो गया। कितना, पर्दे को हटा के देखते हाँ हैं, अब देखो पर्दे को पूरा हटाएंगे, पर्दे की जगह मुझे लगता है दीवार या दूसरा पर्दा दीवार लग, खड़ी कर देगा ये इसे। या तो ये पूरा हटा देता है या फिर है ना वो इसकी जगह दूसरा वो लगा देता है ना, कल जैसे अपन लोगों ने ट्राई किया था ना, तो वो कुछ पॉट वगैरह भी लगा दिए थे एक दीवार पर। पर्दे का आधी दीवार बनेगी, पूरी नहीं हाँ हटाई। आधी दीवार उधर बन, ऑब्जेक्ट होते हैं ना जैसे ह्यूमन हाँ ऑब्जेक्ट, हाँ उनको ये पूरा हटा देता है। ये देखो। ये हटा दिया नीचे नीचे से पर्दा। ना ब्लॉगिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, क्यों ऐसे थंबनेल वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। अब क्या गायब कर दिया, अब क्या झूला गायब ये कर कुर्सी आ दिया, गई झूले ये की देखो जगह। गाइस झूला गायब कर दिया, तो कुर्सी कितनी अच्छी कुर्सी आ गई अब है। कुर्सी को हटा के देखते हैं क्या आता है। हाँ कुर्सी को अब मुझे लगता है कुछ सोफा वगैरह आएगा, नहीं नया सोफा आ कुर्सी। गया। ये तो मजे हो गए, अपने लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, नया बस नया झूले पे बैठ जाए बस। झूले को हटाकर नया नया बैकग्राउंड लगा दो, क्यों। हाँ और गाइस इतना स्मूथ चल रहा है ना, क्यों वो है, स्मूथ चलेगा क्यों नहीं, 16 GB रैम है। 16 GB हाँ किसको कहते हैं। वही तो, 16 GB बहुत होती है, इतना फास्ट, मतलब जस्ट क्लिक करते ही बहुत फोन फास्ट है बहुत वो। फास्ट चल रहा है, आप खुद ही देखिए। यहाँ देखिए जैसे, नहीं नहीं ये क्या यूनियन नहीं करो, जैसे हम
कुछ भी खोलो फटाफट, इतना स्मूथ है। हाँ बहुत अच्छा चल रहा है ये देखो, वरना उनमें तो तो आपको अच्छा लगा ये फोन? हाँ पसंद करके मैंने मंगाया, अच्छे ही लगे ना। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने मुझे सरप्राइज दिया। है नो डाउट फोन बहुत अच्छा है, और इसका जो फोन का ये जो पीछे का आया है ना, ये कैमरे हैं, इसके बाद ये जो मिरर लगा हुआ है ये, तो इसमें हम ग्लास अपना, फिनिश है। हाँ ग्लास फिनिशिंग है, बट इसमें मिरर की तरह है बिल्कुल, मैं अपना फेस देख सकती हूँ। देखो मैं ऐसे देख रही थी, इसमें देखा, इसमें पूरा लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा देखो मेकअप ऐसे, करने के लिए। हाँ पूरा इसमें फेस दिख रहा है आराम से। हाँ देखो ये पता है, जब हम इसको देख रहे थे ना, पसंद कर रहे थे, तो मुझे क्या लगा, मुझे नहीं पता था ये ग्लास, उस पर लिखा भी नहीं हुआ, तो मुझे लगा कुछ स्टील भी, स्टील का लगा हुआ, मुझे लगा कि कुछ स्टील का डिजाइन कुछ बना हुआ है, तो मैं यही सोची, मैं क्या फोन में स्टील का डिजाइन, ये कैसा, पिक्चर्स में उसमें थोड़ी हाँ दिखता है ना, हाँ फ्लैश पिक्चर में पड़ता ऐसे ही है। कुछ दिख रहा था, बट जब कल आया ना मैंने इसको देखा, मेरे को ये तो मिरर आ गया, वो भी अच्छा खासा, और इसका कवर भी आप देख सकते हैं कि रियलमी का ही साथ में ही दिया है, तो स्टोरेज आपको पता ही है मेरी, मतलब 512 GB इसकी स्टोरेज है, तो पांच सेव रख सौ सके बारह जीबी किसे कहते हैं। यहाँ से ना, कर्व डिस्प्ले ये वाली। हाँ ये Realme GT 6, हमने दो पसंद किए थे, Realme और OnePlus, बट उसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम था बस, बाकी दोनों एक जैसे थे और प्राइस भी सेम ही था, तो हमने कहा कि स्टोरेज जो ब्लॉगिंग करते हैं ना उनके लिए स्टोरेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसमें था 256 था बस उसमें, हाँ और इसमें 512 GB, तो ये ज्यादा अच्छा है ना, जब पैसा बराबर ही है, तो फिर हमने सोचा, मैंने कहा मुझे तो यही पसंद पैसे आया में भी था, 3-4 हज़ार का फर्क फर्क था। था उसमें, हाँ ज्यादा थे इसमें, ज्यादा इसमें थे ज्यादा है। इसमें, ज्यादा है उसमें, कम था, वन प्लस इससे भी कम था, बट मैंने कहा वो कुछ पैसों के चक्कर में ये बोल रहे हैं, कुछ पैसों के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, यही वाला लेते हैं। तो ये फोन को मुश्किल से 10 मिनट में 50 से 70% तक चार्ज कर देता है पूरा। कल रात से इनको चला रहा हूँ पूरा, मतलब एकदम स्मूथ चल रहा है बहुत। हाँ अच्छा लग रहा है चलाने में, और मजा रियलमी के फोन की सबसे बड़ी बात ये है कि ये कभी हैंग नहीं होते। दूसरी हाँ बात, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, हद से ज्यादा अच्छी है। हाँ मैं और यहाँ को तो फोन क्या, इसका कवर ज्यादा पसंद आया। मुझे लगता हाँ, है फोन से ज्यादा इसको कवर ही पसंद आया है, क्योंकि इसमें कि वो पूरा ट्रांस फोन छोड़ के कवर ही लेके जा रही है कपड़े। क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं आया ना इसी के, क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि मार्केट से फिर अगर लेके आओ ना, तो आईएसओ और वो क्वालिटी अच्छी नहीं हाँ आती, उससे क्या अच्छी नहीं स्क्रैच आती, लगते हाँ हैं। क्वालिटी अच्छी नहीं रहती इसका, देखने में ही फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है और इसकी, ये वहीं से कवर हटा आया, के दिखाता हूँ, हाँ कवर हटाकर दिखाओ। बट हाँ इसमें अभी हम एक वो लेकर आएंगे, फिंगर ग्रिप आती है ना वो लेकर आएंगे, ताकि ना इसके ये जो हाँ लेंसेस है इसकी। ना हाँ दिक्कत ये है कि आउटसाइड में है ये, तो ये ना लेंसेस स्क्रैच, बाहर को निकले हुए हाँ हैं, तो इसमें क्या है, स्क्रैचेस लग जाएंगे ये, हाँ कहीं पे अगर रखेंगे ना नीचे हार्ड सरफेस पे तो हाँ। स्क्रैच लगेंगे इस पे। आपको पुराना फोन भी दिखाती हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी। अभी ये जो सूट हो रहा है ना, इस वक्त मैं करवा रही हूँ, ये न्यू फोन से हो रहा है, और ये जो जिससे मैं अभी कर रही थी इसी में, इससे पहले तक वो इससे पुराने वाले से कर रही थी, रियलमी X3, ये इसकी देखिए अभी कंडीशन इस देखिए वक्त भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया फोन हो, देखो यहाँ से एक भी स्क्रैच नहीं है एक इस भी पे। स्क्रैच नहीं है, मैंने इसको कितने अच्छे से मैंने इसको संभाल के रख रखा है। अब मैं बताती हूँ, फोन मुझे इन्होंने कब दिया था, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे शादी के टाइम, इन्होंने मुझे ये फोन दिया था, ठीक है 4 साल तक ये चला लिया फोन, ठीक है इसमें ना चार्जिंग का प्रॉब्लम कुछ, ना बैटरी का प्रॉब्लम, ना हैंग होता है, वरना कोई से भी फोन होते हैं ना वो हैंग 2-3 साल के बाद होने लगते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम एक ये हो गया, ये इसका क्या हो गया डिस्प्ले था, में थोड़ा पानी चला गया था। हाँ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर बताती हूँ, लास्ट ईयर जब हम स्टोरी शेयर कर रहे थे ना, तो मैं छत पर खड़े होकर, जब हमारे पास वाईफाई नहीं था, तो मैं छत पर खड़े होकर इसको कर रही थी, वो अपलोड कर रही थी, तो क्या वो इसमें चला गया पानी, तो पहले थोड़ा सा इसमें ये स्क्रीन इसकी खराब हुई थी, ठीक है पहले ली लाइनिंग जो है ना हाँ साइड की, हाँ ये ये लाइन हुई आई थी, थी। और फिर ये थोड़ा थोड़ा बढ़ के, अब जैसे ही मौसम खराब होता है ना, बारिश का मौसम होता है, अभी 3-4 दिनों से बारिश का मौसम ज्यादा हुआ, तो इसका मॉइस्चर यहाँ तक बढ़ गया, अब आप सोचो कि मैं इसमें कैसे एडिटिंग करती हूँ, होने को हमारे पास लैपटॉप भी है, इनका फोन भी है, बट फिर एक से दूसरे में ट्रांसफर करो बहुत ज्यादा वो होता है, और एक वो दिमाग होता है ना खराब, हाथ बैठा हुआ हाँ होता और है मेरा किसी पे। इसी पे हाथ बैठा हुआ है, तो मैं ना इसी में लगी रहती थी करने, तो ये प्रॉब्लम हो रही है, हमने बस ये इसीलिए चेंज नहीं करा था क्योंकि ये फोन खराब हुआ ही नहीं है, अब जाके इसका डिस्प्ले में प्रॉब्लम हुआ है, और ये फोन भी मुझे बहुत प्यारा है, हम फोन लेने वाले थे ना, तो मैं एड में भी देखती रहती थी कौन सा क्या फोन
फोन ज्यादा चाह रहा है, तो अभी मुझे यही वाला पसंद आ रहा था, रणवीर कपूर इसको ऐड करता है, तो इन्होंने बोला कि अगर हो सकेगा तो मैं, मुझे यही वाला पसंद ज्यादा आ रहा था और इनको और मुझे हम वो यही दिमाग में बैठा हुआ था, तो फिर इन्होंने बोला चलो यही फाइनल करते हैं। तो चलो आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप भी बताइए कमेंट में, और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।